इसी तरह से कोई भी जीवाड़ लेकर आपको ठोक लेना है और ये बाहर जाए आ जाएगा और अंदर तक आपको आपको ठोकना है। हेलो फ्रेंड्स, जय भारत। आज हम ये साइकिल का बीबी सेट चेंज करने वाले हैं। बीबी सेट चेंज क्यों किया जाता है, देखो ये हमारा साइकिल का कितना ज़्यादा हिल रहा है और ये ऊपर का वाशर देखो बाहर आया है। अभी हम टाइट करते करते थक गए हैं, ये अंदर से पूरी तरह से घिस घिस कर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, तो इसलिए हमने ये चेंज करने वाले हैं। चेंज करने के लिए पहले हमें न्यू भोगाल कंपनी का ये बीबी सेट लिया है। ये भोगाल कंपनी का दो साइड का कॉप है, एक्सेल कॉप, और ये मिडिल का एक्सेल। पहले आपको ये कटर पिन नट को ढीली कर लेना है, पूरी तरह से ढीला नहीं करना है, नहीं तो ये नट डैमेज हो जाएगा। और आपको इस तरह से कोई जुगाड़ लेकर इसके ऊपर रखकर ठोकना है, कोई भी लोहे का जुगाड़ लेना है, अरे ये ज़ोर से ठोकना है, अंदर तक आपको पूरी तरह से ठोकना है ये पंच से, तो ये बाहर आ जाएगा। देखो ये हमारा ये लेफ्ट साइड का पेडल बाहर आ गया है। वाशर निकाल लेंगे, अरे ये जो कॉप को निकालने के लिए आपको इस तरह से कील ले लेना है। ये जो आपको निशानी दिख रहा है ना, जो छोटा छोटा होल, ये होल से आप ये कील को रखकर लेफ्ट साइड ठोक लेंगे, तो ये धीरे धीरे करके ढीली हो जाएगा। आपको सावधान से ठोकना है, फिर आपको ढीले होने के बाद ये तोता प्लायर लेकर आपको पूरी तरह से खोल लेना है। देखो ये हमारा आसानी से निकल गया है, ये पूरी तरह से भीतर से कैसे घिस घिस कर वाइट हो गया है, और ये अंदर तक होल दिख रहा है आपको, ये एक्सेल भी पूरी तरह से खा गया है। और ये राइट साइड का पेडल खोलने के लिए हम चेन पहले उतार लेंगे, पूरी तरह से बाहर ले आएंगे फर्स्ट गियर से, फिर आपको ये पेडल कवर को भी निकाल लेना है। लेफ्ट साइड का जिस तरह से निकले थे उसी तरह से हम राइट साइड का भी निकाल लिया है, और आपको ये नोकीला चीज़ दिखाई दे रहा है, ये आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है। आप अकेला हो तो कोई भी जुगाड़ लेकर आपको ये बांध लेना है ऊपर से सुतली से, फिर आपको ये अंदर साइड देखो किस तरह से निकालेंगे हम, इस तरह से लेफ्ट साइड राइट साइड पकड़ना है और लेफ्ट साइड को एक्सेल के खींच लेना है, बाहर नहीं आए तो यहाँ राइट से ठोक लेना है। देखो ये आसानी से बाहर आ गया है, ये एक्सेल भी बाहर आ गया है। अभी हम राइट साइड का ये कॉप खोलने के लिए इस तरह से रेंच लेना होगा आपको, और ये ध्यान देना है कि ये लेफ्ट साइड खुलता नहीं है, ये राइट साइड खुलता है, राइट साइड घुमाने पर ये खुलता है, ये उल्टा खुलता है। आपको धीरे धीरे करके राइट साइड से खोल लेना है, और ढीली होने के बाद फिर से वही तोता पैर लेकर आपको खोल लेना है। ये राइट साइड खोलता है और लेफ्ट साइड घुमाने पर टाइट होता है, यानी कि ये उल्टा काम करता है। देखा, हम धीरे धीरे करके ये खोल रहे हैं, ये भी देखो अंदर से किस तरह से खाल हो गया है, ये एक्सेल भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है घिस घिस कर। अभी हम इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे यह फिटिंग करना है। फिटिंग करने से पहले आपको ये कॉप में ग्रीस लगाना है दोनों कॉप में, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। और ये बल्स हम ले रहे हैं, ये अच्छी कंपनी का है, और आपको बल्स को आपको 6.35 mm का बल्स लेना है, और इसी तरह से एक एक करके बिठाना है। ये पूरी तरह से 11 बल्स बैठता है, और बैठने दोनों कॉप में बिठाने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके हल्का सा ग्रीस लगा लेंगे। दोनों कॉप हमारा हो गया है, अभी हम ये दोनों कॉप में ये जो राइट का है जो दोनों तरह से कट दिख रहा है, और लेफ्ट का वो जो चूड़ी दिख रहा है, अभी हम इसको उल्टा तरह से घुमाएंगे। देखो हम हाथ से घुमाते हैं उल्टा लेफ्ट साइड, और फिर से आप रेंच से लेकर टाइट करना है, अच्छे से टाइट कर लेना है। फिर हम
लेफ्ट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड में ये एक्सेल आपको ये एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा है, ये जो बड़ा है ये राइट साइड रहेगा, इसमें फर्स्ट गियर लगेगा, ये छोटा है ये लेफ्ट में रहेगा। तो आपको धीरे से पुश करना है अंदर तक राइट साइड में, और आपको लेफ्ट साइड का कप धीरे से अंदर लेकर राइट साइड घुमाना है। आपको ये लेफ्ट साइड नहीं घुमाना है, ये सही तरह से टाइट होता है, राइट साइड घुमाने पर हाथ से घुमा लेना है धीरे धीरे करके। फिर आपको ये तोता प्लायर लेकर पूरी तरह से टाइट कर लेना है, नहीं तो आपको ये जो होल दिख रहा था छोटा छोटा छेद से आपको हथौड़ा और ये कील लेकर भी टाइट कर सकते हैं। अभी हम इसका वाशर भी लगा रहे हैं, वाशर का भी एक कट रहता है, कट से आप पंच मार कर भी टाइट कर सकते हैं। अब राइट साइड का ये जो होल दिख रहा है और ये जो एक्सेल का कट दिख रहा है, ये कट और होल एक तरह से रहकर ये जो कटर पिन है, ये एक साइड कट रहता है, एक कट और ये एक्सेल का कट अच्छे से रहना चाहिए। ये दोनों हमारा ये कटर पिन ख़राब हो गया, इसलिए हमने नया लगा रहे हैं। आप भी जब एक्सेल चेंज करते हैं तो नया कटर पिन ही लगाए। तो आपको इस तरह से होल साइड और कट साइड रखकर अंदर तक ठोकना है, फिर आपको ये कटर पिन अच्छी तरह से ठोक लेना है। फिर आपको ये नीचे में एक हथौड़ा रखकर और ऊपर में हथौड़ा से ठोकना है, तो ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। और आपको नट और वाशर नट अच्छे से चढ़ाकर टाइट कर लेना चाहिए। फिर राइट साइड का ये लगाने के लिए हमने ये कवर खोल दिया है, ये कवर को थोड़ा सा आगे ले आएंगे और ये धीरे से पुश कर देंगे। पुश करने के बाद आपको ठोकना नहीं है, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दिख रहा है ये दोनों को आपको एक लेवल में रहना चाहिए, सीधा आपको सीधा देखना है, फिर आपको कटर पिन को ठोकना है। जब हमारा ये सीधा दिख रहा है पूरी तरह से, फिर हम एक लेवल देखकर जब कटर के साइड कटर पिन ठोक रहा है धीरे धीरे करके, फिर उस तरह से हम एक नीचे से हथौड़ा और ऊपर से एक हथौड़ा से ठोक रहे हैं। अच्छी तरह से ठोकना है, नहीं तो ढीली होकर बाहर आ जाएगा। फिर हम ये मडगार्ड को अच्छे से जिस तरह से खोलते उसी तरह से लगा लेना चाहिए, और चेन को भी जिस तरह से निकाले थे उसी तरह से आपको फर्स्ट गियर में चढ़ा लेना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से बैठ गया है, तो अभी हमारा यह पूरी तरह से कंप्लीट है, कोई भी हिलता डुलता नहीं है। इस तरह से आप भी आपका साइकिल का एक्सेल चेंज कर सकते हैं।